गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, राधे राधे बेटा, जय श्री राम, वालेकुम अस्सलाम, जय श्री कृष्णा, तैयार हो जाओ। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हाँ, लास्ट क्लास है भाई, लास्ट क्लास है, पता है, अब एहसास मत दिलाओ मुझे, लास्ट क्लास है। हाँ, मिस यू सर। यस, आई विल मिस यू टू बेटा। मैं सारे कमेंट पढ़ रहा हूँ मैं तुम्हारे, लेकिन मैं बोल नहीं सकता, बस अगर इतने ज़्यादा मैं तुम्हारी तरह इमोशनल हो गया तो पढ़ा नहीं पाऊँगा अपने। हाँ, गुड इवनिंग 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 गुड इवनिंग। हाँ बेटा, मैं भी आपको बहुत मिस करूँगा, ठीक है, लेकिन टेंशन ना लो, किसी ना किसी माध्यम से मैं आपसे कनेक्टेड रहूँगा, आप लोग भी कनेक्टेड रहिएगा, ठीक है। यस, टी शर्ट इज ओपी। अबे ये टी शर्ट तो रोज देखता है तू, है? हाँ, टी शर्ट तो ओपी है, बिल्कुल, इसी टी शर्ट ने तो तुझे और हमें मिलाया है ना? वो कह रहा तुसी जा रहे हो। नहीं बेटा, मैं जा नहीं रहा हूँ। हाँ सही कह रहा है, एक साल कैसे हो गया पता नहीं चला, सही बात है भाई, ठीक है, पता नहीं चला कैसे एक साल निकल गया, मुझे भी लग रहा है जैसे मैं पहली क्लास लेने आया हूँ तुम्हारी क्लास में, जैसे याद है पहली क्लास आई थी यूनिट एंड डायमेंशन की, इतना सिंसियर होकर बैठा था तू वहाँ पे यूनिट एंड डायमेंशन में, जैसा लग रहा था सेवन फंडामेंटल क्वांटिटी का इंतजार कर रहा था। यस, एक चीज तो हम पढ़ के आए हैं कि सेवन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है, टाइम, और कौन सी थी वे, मास, लेंथ, टाइम, है? हाँ, और एक होती थी ल्यूमिनस इंटेंसिटी, पता नहीं, समझ में नहीं आता था कि होती क्या, लेकिन सुनने में बड़ा अच्छा लगता था, लग रहा था बड़ी खतरनाक चीज पढ़ रहे हैं। तो वहां से चीजें हमारी स्टार्ट हुई थी, धीरे 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 बढ़ते 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 बढ़ते, और आज हमारे ये लाइव सेशन का, इस सेशन की लास्ट क्लास होने जा रही है, वेव का लेक्चर नंबर 9 है। लक्स कंफर्म, बेटा लक्स के बारे में मुझे नहीं पता, ठीक है, मुझे नहीं पता, मैं कोई ऐसा कमिटमेंट नहीं कर सकता, ठीक है, मेरे को नहीं मालूम, ये सब मैनेजमेंट का डिसीजन होता है, वो लोग मुझे जहां पढ़ाने के लिए बोलेंगे मैं वहां पे पढ़ाऊंगा, है ना? रोना आ रहा है सर, ओए ऐसा मत बोल यार, कि मुझे भी रोना आएगा फिर, है ना? ऐसा नहीं बोल, पता चला दोनों बैठ के रो रहे हैं, मैं इधर से तू उधर से, और बाकी दुनिया तमाशा देख रही, बोले चल क्या रहा है भाई, खैर बाकी दुनिया क्या समझेगी इस बात को कि एक साल हम लोगों को अप्रोक्सीमेटली हो गए हैं, है ना? आसान काम थोड़ी ना है, एक ही मास्टर की शक्ल हफ्ते में कम से कम 5 बार देखना, संडे को भी देखना, तीन तीन दो दो घंटे तक देखना, ठीक है, तो तेरे लिए आसान काम थोड़ी ना था ये, है ना? वो कह रहा सर FIGOR बोल दो, याद है एक सिग्निफिकेंट वाला एक टर्म आता है एरर वाले चैप्टर में, तब का वेट कर, उस दिन का वेट कर, ठीक है। सर सच्ची में आंसू आ रहे हैं, नहीं बेटा इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है, बस मैं आपसे बस ये बोलूंगा, ठीक, जैसा कि मैंने Day 1 में आपको प्रॉमिस किया था, ठीक है, पूरे साल जो भी स्टार्टिंग में हम लोगों ने कवर किया है, तो मैं लास्ट मोमेंट पे बस ये बात बोलूंगा आप लोगों से कि Day 1 में जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था, ठीक है, कि पूरे हिंदुस्तान में हम जिस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए जो रिक्वायरमेंट बेस्ट कॉन्टेंट है वो मैं तुम्हें दूंगा, और वो मैंने तुम्हें दिया है, ठीक है, तुम्हारे पास समय की कोई कमी नहीं है, समय तुम्हारे पास भरपूर है, अभी आप 11th क्लास में हो, फिर आप 2 महीने के बाद आप जो है 12th क्लास में जाओगे, अभी 2 महीने का टाइम है, अगर सपोज आप में से किसी का 10 दिन का, 15 दिन का, 20 दिन का, 8 दिन का, कोई किसी का बैकलॉग है, तो आप बड़े आराम से कंप्लीट कर सकते हो, फरवरी के मिड तक कर लो, फरवरी के लास्ट तक कर लो, मार्च के मिड तक कर लो, मार्च के लास्ट तक कर लो, आराम से बढ़िया तरीके से जो है आप अपने बैकलॉग कंप्लीट कर लो, उसके बाद फिर आपके पास पूरी 12th क्लास में, आप ये मान के चलो कि पूरा 1 साल अभी और बाकी है, ठीक है, बेस्ट कंटेंट आपको दिया गया है, आपने इतना कर लिया कोई बड़ी बात नहीं है, इतना कंटेंट अच्छे से कर लेगा तो सही बात बता रहा हूं मैं, तेरे अंदर काबिलियत है ना, तो 100 के अंदर रैंक भी लेके आ जाएगा, ठीक है,
तू कभी कंटेंट की वजह से पीछे नहीं रह पाएगा कि सर मेरे अंदर काबिलियत तो थी लेकिन मुझे कंटेंट अच्छा नहीं मिल पाया, मुझे बढ़िया तरीके से उस लेवल तक नहीं ले जा पाए या उस लेवल तक मैं नहीं गया तो मुझे ठीक से पढ़ाया नहीं, ये तेरी शिकायत नहीं रहेगी। अगर जितना मैंने तुझे पढ़ाया है उतना तूने बढ़िया तरीके से कर लिया तो बिलीव मी 100 के अंदर भी आप में से कोई बच्चा रैंक लेके आ जाए कोई बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है? क्योंकि जितना मैंने तुझे कराया है, ठीक है, जितना, क्योंकि अभी हम लोगों ना अभी हमारी जर्नी आधी हुई है, अभी हमारा 11th क्लास पूरा हुआ है, लेकिन फिर भी 11th क्लास में जितना मैंने तुझे कराया है जेई एडवांस के 70% क्वेश्चन तक तू बड़े आसानी से कर सकता है और तूने किए हैं। 70 तो मैं कम बोल रहा हूँ, किसके चैप्टर में तुमने 80% किए, ठीक है? सेंटर ऑफ मास रोटेशन मैकेनिक्स में 80% जो KT थर्मोडायनेमिक्स हो गया इसमें तुमने ऑलमोस्ट सारे के सारे सवाल आप लोगों ने अप्रोक्सीमेटली सॉल्व किए, ठीक, खुद से किए, अच्छे अच्छे लेवल के सवाल आपने सॉल्व किए। तो मैं 70-80% नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ तूने 50 में कर लिया तो भी तेरी 1000 के अंदर रैंक है और तूने 60% अगर तूने कर लिया तो अप्रॉक्सीमेटली 100 के आसपास तेरी रैंक आ जाएगी, सनवारी बात 200-300 के आसपास। और तूने अगर सच में आपकी क्लास में कोई ऐसा बच्चा हुआ जिसने खूब मेहनत करी, जिसकी एक्यूरेसी लेवल बहुत अच्छा हुआ, जिसने कैलकुलेशन मिस्टेक्स ना करी, जिसने सिली मिस्टेक्स ना करी और जितना मैंने पढ़ाया उतना उतना अच्छे से कर लिया, तो बेटा 100 के अंदर 50 के अंदर रैंक लाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप ला सकते हो। और मेरा एक भरोसा है कि आप में से ऐसे जरूर बच्चे होंगे जो ला के दिखाएंगे, ठीक? तो देख मेरा काम तो यही था, मैं सही बात बोलूँ तो मेरा काम तो यही था ना कि मैं तेरे सबसे बेस्ट कॉन्टेंट दूँ, ठीक? तो मेरा काम मैंने पूरा किया, अब तेरा काम है। और तो तूने भी अपना काम बहुत अच्छे तरीके से निभाया, तूने भी अपना जो फर्स्ट था बहुत अच्छे तरीके से निभाया, बढ़िया तरीके तूने सारी क्लासेस अटेंड करी। आपके जब मैसेज आते हैं मुझे बहुत खुशी मिलती है जब आप बोलते हो कि सर मैंने शुरू से लेकर आज तक आप तक अब आपके साथ जुड़ा हूं, हर रोज आपकी क्लास अटेंड कर रहा हूं और जो है लाइव ही अटेंड करता हूं, कभी मिस नहीं किया। एक दो क्लास मिस हो गई तो इट्स ओके, मैंने उसको कवर कर लिया, लेकिन आपके साथ जुड़ा हूं। तो बिलीव मी तेरा जो रिजल्ट आएगा ना वो तेरा बेस्ट निकल के आएगा। मतलब तू ये समझ ले तुम उससे ना मिला होता, ठीक है, तो तेरी रैंक मान के जा रही है 30,000, ठीक है, और तुम उससे मिल गया है और बढ़िया तरीके से मेरी बातें फॉलो करता रहा है तो इसका मतलब समझ अब तेरी रैंक आएगी 3,000। 1-0 तो मैं तेरी रैंक से हटवा दूंगा, ठीक है, 1-0 तो मैं तेरी रैंक से हटवा दूंगा। और आप में कोई अगर ऐसा है जो 10,000 रैंक लाने की काबिलियत रखता था लेकिन उसने सारी बातें फॉलो करी, उसने सारे नोट्स फॉलो किए, उसने सारा होमवर्क किया जो मैंने यहाँ पे दिया है, जब जब मैंने जो चीज़ दी वो चीज़ उसने किया, तो 10,000 वाला बच्चा 1,000 के अंदर लेके आ जाएगा, मेरा पूरा भरोसा है। और तू देखना आएंगे बच्चे ऐसे, है ना, ये चीज है बिल्कुल। और एक बच्चा कह रहा है सर सारा सही है, दो लेक्चर का बैकलॉग है, कोई बात नहीं कल कर लेना, परसों कर लेना, कोई बात नहीं कल कर लेना परसों कर लेना, ठीक है, नो फिजिक्स बैकलॉग, बहुत ही बढ़िया, शाबाश, ठीक है। तो बस मैं आपसे यही बोलूंगा यहाँ पर 11th क्लास का आपका बिल्कुल शानदार लेवल का, ठीक है, कंटेंट इसमें कवर हुआ है, ठीक है, शानदार लेवल का मतलब मैंने हर बात का ध्यान रखा इस बात का कि आप चाहे आप किसी भी इंस्टीट्यूट में हो, ABCDEFG आप जानते हो, ठीक है, आप में काफ़ी बच्चे ऐसे हैं, जैसे मुझे धीरे धीरे बाद में पता चला कि कम से कम 50-60% बच्चा ऐसा भी है कि जो ऑफलाइन क्लासेज में पढ़ रहा है और वो सपोज अपने अपने टीचर से वहाँ पर फ्रिक्वेंसी मैच नहीं कर पाया और उसको वहाँ पे समझ में थोड़ा कम आया लेकिन उसकी शीट के लेवल के सवाल अच्छे हैं, ठीक, वो सवाल वो नहीं बना पा रहा है, वहाँ की एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 S1 O1 ये सब वो नहीं बना पा रहा है और धीरे धीरे जब वो इधर क्लास में आया वहाँ से क्लास उसने अटेंड करी और फिर जो है वहाँ से उसने सवाल बनने उसके स्टार्ट हो गए और धीरे धीरे उसकी जर्नी थोड़ी सी बढ़िया तरीके से आगे बढ़ना स्टार्ट हो गई। तो मैंने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि ये कंटेंट ऐसा ना हो कि तू केवल जेई मेंस के ही सवाल करे, मतलब नहीं, कंटेंट बेसिकली तुझे ऐसा दिया है कि सवाल चाहे जेई मेंस का हो, सवाल चाहे जेई एडवांस का हो, सवाल चाहे तेरी एक्सरसाइज 1 का हो, एक्सरसाइज 2 का हो, जेई मेंस, जेई एडवांस, कोई सी भी एक्सरसाइज हो, O1 हो, O2 हो, तो उन सारे सवालों को करने के लायक मैंने तुझे बनाया है, ठीक है। तो बस इन्हीं चीज को फॉलो करना है मेरे भाई, ठीक है, इन्हीं चीजों को फॉलो करना है, जितने नोट्स मैंने तुझे, ऑल दो ये सबसे अच्छी बात है कि आप सब लोगों ने नोट्स बनाए, ठीक है, ये अच्छी बात रही, आप सब लोगों ने नोट्स बनाए हैं, ये बहुत अच्छी बात रही। मैक्सिमम बच्चों ने जिन्होंने नोट्स बनाए हैं तो उनको देखना, उनको फायदा मिलेगा अगले साल, उनको फायदा मिलेगा जिन्होंने अपने हाथों से नोट्स बनाए, ठीक, जिन्होंने बैठ कर तमाशा देखा पूरे साल उनको बेसिकली थोड़ा सा नुकसान होगा और नुकसान उनको फेस करना ही पड़ेगा अगले साल, तो इसलिए वो आगे से ऐसा ना करें, ठीक है, आगे से नोट्स अपने खुद बनाएं। लेकिन मैक्सिमम बच्चे, क्योंकि मुझे पता है आप लोग फोटो खींच खींच के भेजते थे मुझे, बोले सर देखो मैंने ये जो है ये नोट्स बना रखे हैं बढ़िया तरीके से, इनफैक्ट जहाँ जब जब मैं आपसे मिलने आया कुछ बच्चे तो वहाँ नोट्स भी लेके आए, है ना, जब मैं आपसे मिलने आया जहाँ पे धनबाद हजारीबाग और रायपुर में आया तो वहाँ कुछ बच्चे नोट्स भी लेके आए, बोले सर देखो सारी चीज़ लिख रखी है हम लोगों ने, ठीक, और जब भी मैंने जब जब मैंने वीडियो कॉल करी तब तक आप लोगों ने अपने नोट्स दिखाए। तो भैया मेरे दिमाग में तो यही इमेज है, मैं तो यही मान के चल रहा हूँ कि आपने सबने बढ़िया तरीके से नोट्स बनाए,
बिल्कुल कह रहा था, चार कॉपी भर गई आग बहुत ही बढ़िया, चार कॉपी भर गई, चार रजिस्टर हो गए, बहुत ही बढ़िया भाई, चार रजिस्टर हो गए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जरूरी था यार, ये जरूरी था। अब तुझे, अब पता है, अब तुझे लेक्चर वगैरह, अब जब भी कभी तेरे को रिवीजन करना होगा ना, तो लेक्चर वेक्चर देखने की आवश्यकता नहीं, अब तू बस अपने नोट्स देख लेना, ठीक है, अब दो दो घंटे के लेक्चर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है, अब तो बढ़िया अपने नोट्स देखना, नोट्स देखना बढ़िया तरीके से, रफ कॉपी में उनके प्रैक्टिस करना, ठीक है, जो जो क्वेश्चन मैंने कराए उन क्वेश्चन के रफ कॉपी में दो दो तीन तीन बार प्रैक्टिस हो गया काम तेरा, मोर देन सफिशिएंट। डेफिनेशन देख लेना क्या है सर, कैसे जो है किस चीज में सर ने क्या सवाल कराया, कौन से सवाल, एक सवाल में सर ने 10 सवाल कराए, वो 10 सवाल दो दो तीन तीन बार लगा लेना, हो गया। अब तू देख ही ले यार जेईई मेंस का पेपर कैसा आ रहा है यार, ठीक है, जेईई मेंस का पेपर की तुम, मैं खुद बताओ, खुद सोच, जेईई मेंस का पेपर कैसा आया है इस साल यार, मैं हमारा टारगेट जेईई मेंस बिल्कुल नहीं है, हमारा टारगेट जेईई एडवांस है। एक कह रहा मेरे तो 7 रजिस्टर हो गए सर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो इसी को तो बोलते हैं ना, ये देख तेरे 7 रजिस्टर हो गए, एक कह रहा 12,000 पन्ने हो गए, ठीक है, वो तो क्या मजाक कर रहा है, ठीक है, 1200 पन्ने कह रहा शायद वो, ठीक, तो मेरा ये कहना है इसी को तो मेहनत बोलते हैं ना, तू खाली बैठा रहता, बैठ के तमाशा देखता, मैं तो इसमें जोर ना देता, नोट्स बनाने पे जोर ना देता, प्रेशराइज नहीं करता तुझे कि नोट्स बना, मैं किनारे हो रहा हूँ, चल इसको लिख अभी, तभी मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक, तुम कहते हो सीकेएल सीकेएल, क्या था नो सीकेएल, मैं कहा जल्दी लिख, ठीक, तो अगर मैं आपको प्रेशराइज ना करता, ये आपकी मेहनत है मेरे भाई, ये आपकी मेहनत है, ठीक है, जो आपके रजिस्टर बन गए हैं ना, ये आपकी मेहनत है, और ये आपकी मेहनत आगे बहुत काम देने वाली है, ठीक है, तो यही तो मेहनत है मेरा, अल्टीमेटली काम क्या था, यही तो था कि तुमसे मेहनत कर रहा हूं, तुम बढ़िया तरीके से रगड़वा दूं, इतनी मेहनत कर रहा हूं तुमसे कि भाई साहब तेरा बेस्ट निकल के आ जाए, तू एक निखर के बाहर आना चाहिए, तेरे अंदर का जो टैलेंट है वो बाहर निकल के आना चाहिए, ठीक है, और आई थिंक टीचर का काम भी यही होता है ना, एक्चुअली टीचर का काम क्या होता है, टीचर का काम यही होता है कि आपके अंदर की जो प्रतिभा है, ठीक है, उस प्रतिभा को किसी तरीके से निखर के बाहर निकाल के लाना कि यस इट इज योर बेस्ट, ये आपका बेस्ट था, खत्म। आपका टैलेंट अगर ये है कि सर मैं 100% कर सकता हूं, तो कम से कम 150 तक तुझे खींच के लेके आना है ना। अब वो तो बाकी तो यार सारे बच्चे टॉप 100 के अंदर रैंक नहीं ला सकते, प्रैक्टिकली बात है, सारे बच्चे 1000 के अंदर रैंक नहीं ला सकते, आपकी तादाद पता नहीं कितनी है, कितने हजारों लाखों में भी हो सकती है आपकी तादाद, यहां पर सारे बच्चे जो है 5000 के अंदर रैंक नहीं ला सकते, बात सच है, लेकिन सारे बच्चे अपना बेस्ट तो कर सकते हैं ना, है ना, कि तेरा जो भी अंदर में तू रखता है, तेरा टैलेंट इतना था, तू इतनी रैंक लाने की काबिलियत रखता है, उसमें 50% अगर मैं इंप्रूव कर पाया, या तूने और मैंने हम दोनों जुड़े और तू निखर के एक तरीके से बाहर निकल के आया, तो ये तो कर सकते हैं ना, और इतना ही कर लिया तो जिंदगी में तू बहुत आगे जाएगा बेटा, बहुत आगे जाएगा, रिजल्ट चाहे जैसा भी हो, ये जेईई मेंस जेईई एडवांस का रिजल्ट एक पहला पड़ाव होगा तेरा अगले साल, ठीक है, ये तेरा पहला पड़ाव होगा, इसके बाद और एग्जामिनेशन आएंगे तेरी लाइफ में, जैसे जैसे तू आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन आगे तू हमेशा आगे ही बढ़ेगा और हमेशा सक्सेस होता जाएगा। कह रहा प्रतिभा बाहर है सर कह रहा प्रतिभा इनसाइड है, कद्दू गैंग सलीमियंस सर आप चले जाओगे सर, बेटा अभी ना जाऊंगा मैं, अभी मैं अभी ना जाऊंगा जल्दी से, ठीक है, अभी इतनी जल्दी पीछा छोड़ने वाला नहीं हूं मैं, अभी और चैप्टर बच रहा है जिसका नाम है अरब, उसके बारे में डिस्कस करूंगा अभी, हाँ, लेकिन ये बात सच है, कद्दू गैंग की शुरुआत तुम्हारी बैच से हुई, ठीक है, मैं तो हजारीबाग में गया तो एक लोटा तो कद्दू ही लेके आ गया भाई, ठीक है, वो कद्दू लेके आ गया, ठीक है, बोले लो सर, ठीक है, हम कद्दू लेके आए, बिल्कुल, धनबाद में भी एक बहुत बड़ा कद्दू आ गया था, कद्दू लेके आया था एक लोटा, बोले सर ये लो, बहुत बड़ा कद्दू था, उसको तो एयरपोर्ट वाले ने बोले क्या लेके जा रहे हो सर ये, सलीमियंस, यस वी ऑल आर सलीमियंस, सुनने बहुत अच्छा लगता है, कद्दू गैंग सलीमियंस निब्बा निब्बी है ना, हाँ सर रिविजन स्ट्रेटेजी, हाँ बात करेंगे बेटा लास्ट में बात करेंगे, टेंशन ना लो, हाँ वो कह रहा है हैप्पी रोज डे, ओए 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 हमारे लिए वैलेंटाइन डे, वैलेंटाइन डे नहीं है भाई कुछ भी, बात समझ आ रही है, ए, सुन ले मेरी बात ध्यान से, हाँ ठीक है, हमने ये हमें वैलेंटाइन वीक हमारे लिए है ही नहीं, ठीक है, तो सर आपके लिए फरवरी स्पेशल नहीं है क्या, फरवरी हमारे लिए स्पेशल है ना, 19 फरवरी रायगढ़ के छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जन्मदिन है, वो मनाएंगे हम लोग, ठीक है, हमारे लिए वो नहीं है, ठीक है, हाँ कह रहा है सर वैलेंटाइन डे बिल्कुल बिल्कुल नहीं ना, बिल्कुल नहीं, ठीक है, कोई ऐसी ऐसी बात भी नहीं करेगा सर, ये रोज डे है, ये चॉकलेट डे है, ये वाला डे है, वो वाला डे है, वो ठीक है,
एक ही डे है, 19 फरवरी, ठीक है। हाँ बिल्कुल, सिग्मा इटालियन क्राइंग, आयुषी क्राइंग। अच्छा ठीक है भाई, क्राइंग क्राइंग करने दे भाई, ठीक है।